नमस्कार, नेशन 30 में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आयुष। चलिए एक नजर डाल लेते हैं देश और दुनिया की 30 अहम खबरों पर फटाफट अंदाज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को मणिपुर के इंफाल में एक चुनावी रैली को संबोधित किया है। मोदी ने अपनी रैली में कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए मोदी ने कहा कि कांग्रेस 15 साल से यहां पर शासन कर रही है, लेकिन उसने राज्य के विकास के लिए कुछ भी नहीं किया। कांग्रेस ने मणिपुर को बर्बाद कर दिया। मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने 15 साल में नहीं किया जो विकास, वो हम 15 महीने में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक बार फिर अपनी चुनावी सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। सिद्धार्थनगर में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए अखिलेश ने कहा कि पीएम मोदी यहां नकल का मुद्दा उठा रहे हैं। बीजेपी ने भी हमारे वादों की नकल की है। हर किसी ने भी थोड़ी बहुत नकल की होगी। यहाँ कोई है जिसने बचपन में नकल ना की हो? थोड़ी बहुत तो सब करते हैं। सीएम अखिलेश ने कहा कि मैंने इतना झूठ बोलने वाला पीएम अब तक नहीं देखा। यूपी विधानसभा चुनाव के पांचवें चरण के लिए आज शाम को प्रचार अभियान थम जाएगा। 27 फरवरी को 11 जिलों के 51 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इस दौर में जिन जिलों में वोटिंग हुई उनमें कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की संसदीय सीट अमेठी भी शामिल है। पांचवें चरण में 52 सीटों पर मतदान होना था, लेकिन आलापुर सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के निधन की वजह से वहां मतदान 9 मार्च को होगा। यूपी का सियासी दंगल चरम पर पहुंच चुका है। गुरुवार को चौथे चरण का मतदान संपन्न हो गया, जबकि दो दिन बाद यानी कि 27 फरवरी को पांचवें चरण का मतदान होना है। प्रदेश में 27 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनावों के पांचवें चरण के लिए मुकाबले में उतरे कुल 617 उम्मीदवारों में से 168 उम्मीदवार करोड़पति हैं, जबकि 117 कैंडिडेट ने घोषित किया है कि उनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य नई मुसीबत में फंसते नजर आ रहे हैं। 23 फरवरी को यूपी में हुए तीसरे चरण के मतदान में केशव प्रसाद मौर्य जब इलाहाबाद में अपने वोटिंग क्षेत्र में वोट डालने पहुंचे तो उनकी जैकेट पर बीजेपी का चुनाव चिन्ह कम स्टिकर नजर आया। इस स्टिकर के साथ ही मौर्य ने मतदान की प्रक्रिया भी पूरी की। इस मामले में इलाहाबाद के डीएम संजय कुमार ने यूपी बीजेपी अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ मजिस्ट्रेट की जांच बैठाई। वित्त मंत्री अरुण जेटली इस वक्त 5 दिवसीय दौरे पर ब्रिटेन की यात्रा पर हैं। इस यात्रा के दौरान जेटली लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में स्टूडेंट्स को संबोधित करेंगे। जेटली वहां बदलता भारत अगले दशक के लिए विजन विषय पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करने वाले हैं। 26 फरवरी को भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ ब्रिटिश काउंसिल और ब्रिटेन में स्थित भारतीय उच्चायोग की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में वह भाग लेंगे। वित्त मंत्री 27 फरवरी को लंदन स्टॉक एक्सचेंज के मार्केट ओपनिंग कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार शाम को कोयम्बटूर में भगवान शिव की 112 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। आदियोगी शिव के रूप में बनाई गई इस मूर्ति को धर्मगुरु जग्गी वासुदेव की संस्था ईशा फाउंडेशन ने बनवाया है। प्रधानमंत्री ने प्रतिमा का अनावरण करने के बाद दुनिया भर में चलने वाले महायोग यज्ञ का भी आगाज किया। इस यज्ञ का मकसद अगले महाशिवरात्रि तक 10 करोड़ लोगों को योग की शिक्षा देना है। 112 फीट ऊंची इस प्रतिमा शिव के आदियोग स्वरूप का चेहरा इसमें दिखाया गया है। दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। 1 महीने से ज्यादा चयन वाली प्रक्रिया के बाद सूची में आपके 109 वार्डों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है। इनमें 109 सीटों में से 46 महिलाओं के लिए आरक्षित थी। हालांकि पार्टी ने इन 46 के अलावा 3 अनारक्षित सीटों पर भी महिला उम्मीदवारों को उतारा है। इसके साथ ही आपने 64 युवाओं को निगम चुनाव में मौका दिया है। तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनाए जाने की राबड़ी देवी की मांग को लेकर उठे विवाद को लालू यादव ठंडा करने की कोशिश करते नजर आए, लेकिन उन्होंने अपने साथ नीतीश कुमार को बूढ़ा बताते हुए जरूर कह डाला कि भविष्य में युवा ही बिहार की कमान संभालेंगे। लालू यादव इससे पहले भी तेजस्वी यादव को इसी तर्क के आधार पर राजनीतिक विरासत को सौंपे जाने की बात कह चुके हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद ने कहा, तेजस्वी अभी सरकार चलाने की कला सीख रहे हैं। तेजस्वी फिलहाल बिहार के उप मुख्यमंत्री। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता फारूक अब्दुल्ला ने विवादित बयान देते हुए कहा कि कश्मीरी नौजवान किसी कारणवश हथियार उठाते हैं, उन्हें मौत की धमकी से डराया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि कश्मीरी युवाओं को मौत से डर नहीं लगता। अब्दुल्ला ने कहा कि कश्मीर में आतंकियों की नई पीढ़ी आजादी के लिए लड़ रही है। बीजेपी आज पूरे देश में विजय उत्सव मना रही है। सभी जिला मुख्यालयों पर बीजेपी के कार्यकर्ता जश्न मनाते हुए नजर आए। उड़ीसा और महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनावों में जीत की वजह से देश भर में विजय उत्सव मनाया जा रहा है। महाराष्ट्र के निकाय चुनावों में बीजेपी ने जहां नंबर 1 की पोजीशन हासिल की, वहीं उड़ीसा में भी बीजेपी ने कांग्रेस को तीसरे नंबर पर धकेल दिया। महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका संजय गांधी ने बच्चों को जन्म देने के लिए गर्भवती महिलाओं पर चिंता जाहिर की है। मेनका ने इस मुद्दे पर कदम उठाते हुए अस्पतालों को सी सेक्शन सर्जरी के बारे में जानकारी को सार्वजनिक करने का आदेश देने के लिए स्वास्थ्य मंत्री से अनुरोध किया। उन्होंने बच्चों को जन्म देने के लिए गर्भवती महिलाओं को
सी सेक्शन सर्जरी के लिए मजबूर करने के अस्पतालों की बढ़ती प्रवृत्ति के बारे में गहरी चिंता व्यक्त की। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपनी सिफारिशों में कहा है कि सी सेक्शन सर्जरी सामान्य रूप से कुल डिलीवरी के 10-15% होनी चाहिए। बीएमसी चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करने के बाद बीजेपी और शिवसेना के बीच विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। देर रात करीब 2 बजे तक मुंबई में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक चली, लेकिन इस पर कोई फैसला नहीं हो सका। दरअसल बीएमसी के मौजूदा मेयर का कार्यकाल 8 मार्च को खत्म हो रहा है, 9 मार्च को मेयर का चुनाव होना है। गौरतलब है कि बीएमसी चुनाव में शिवसेना ने 84 सीटें जीती हैं, जबकि बीजेपी ने 82 सीटों पर जीत दर्ज की। छात्र संघों के बीच दिल्ली में जो लड़ाई शुरू हुई वह महाराष्ट्र के पुणे तक पहुंच गई। देर रात पुणे यूनिवर्सिटी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और स्टूडेंट फाउंडेशन ऑफ इंडिया यानी कि SFI के छात्रों के बीच मारपीट हुई। दोनों छात्र संघ एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हुए नजर आए। पुलिस ने इस मामले में ABVP के 4 और FI के 5 छात्रों को गिरफ्तार किया है। छात्रों को 2 गुटों के बीच झड़प की शुरुआत ऐसे ही पोस्टर लगाने को लेकर। गुरु ही अपने छात्र के भविष्य को संवारता है, लेकिन जब गुरु ही भक्षक बन जाए तो आप क्या कहेंगे। बिहार के समस्तीपुर में शिक्षक के द्वारा गुरु शिष्य के रिश्ते को शर्मसार कर दिया गया। ये घटना 23 फरवरी को मुफस्सिल थाना क्षेत्र की है, जहां पर एक शिक्षक श्री नारायण राम पार 5वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा ने विद्यालय में अश्लील हरकत करने का आरोप लगाया। इस घटना को लेकर ग्रामीणों में गहरा आक्रोश व्याप्त है। 10 दिन पूर्व बुढ़ाना कोतवाली से 500 मीटर की दूरी पर एक गन्ने के खेत में मिले अज्ञात युवक के शव की पहचान अमित पुत्र अर्तर सिंह निवासी तमेला गढ़ी निवासी दोघट जिला बागपत के रूप में होने के बाद पुलिस ने गहराई से छानबीन करते हुए मृतक के मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल के आधार पर बुढ़ाना कस्बे के मोहल्ला पिछला के विकास पुत्र विनोद को हिरासत में लेकर पूछताछ की। इसके बाद आरोपी का पता चला। हरियाणा के यमुनानगर के दामला क्षेत्र में बस अड्डे पर दिन दहाड़े ऑटो चालक पर गोली चलने से हड़कंप मच गया है। घायल ऑटो चालक को गंभीर हालत में यमुनानगर के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया। बताया जा रहा है कि गोली उस वक्त लगी जब ऑटो चालक दामला स्टैंड पर था, तभी अचानक एक बाइक सवार ने ऑटो चालक पर गोली दाग दी। फिलहाल पुलिस ने घटनास्थल का दौरा करके अपनी जाँच शुरू कर दी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह मऊ पहुंचे, जहां उन्होंने मधुबन में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान शाह ने मतदाताओं से अपील की कि उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल का भाग्य बदलने के लिए मतदान करें। उन्होंने सपा कांग्रेस गठबंधन पर अपना आरोप दोहराते हुए कहा कि 2 भ्रष्टाचारी परिवारों का ये मिलन। कानून का पाठ पढ़ाने वाली खाकी पर एक और दाग लगा है। जनता को ईमानदारी की नसीहत देती है खाकी, लेकिन खुद ही अब खाकी सवालों के घेरे में है, जिसका उदाहरण वीडियो में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं। दरअसल आगरा के थाना एतमाद दौला क्षेत्र में खाकी के सिपाही रोज उगाही का खेल खेलते हैं। ये खेल बेहद नया और निराला है, क्योंकि इसमें खाकी का अलग अंदाज नजर आता है। वो हर गाड़ी को पार कराने के एवज में मोटी रकम वसूलते हैं। इतना ही नहीं, SSP आगरा को इसका महीना भी दिया जाता है। मुरादाबाद के ठाकुरद्वारा में सगाई के दौरान दहेज की मांग पूरी न होने पर लड़के के भाई ने लड़की की बहन पर गोली चला दी। गोली लगने से दुल्हन की बहन बुरी तरह से जख्मी हो गई। इस घटना के बाद खुशी भरा माहौल चंद मिनटों में ही मातम में तब्दील हो गया। मौका पाकर आरोपी भाई वारदात को अंजाम देने के बाद फरार हो गया। यूपी के संभल में भगवान भोलेनाथ का एक ऐसा अनूठा शिव मंदिर है, जिसमें शिव भक्त भोलेनाथ के शिवलिंग पर पुष्प दूध बेलपत्र के साथ झाड़ू भी अर्पित करते हैं। बैजोई थाना इलाके के सदात बाड़ी गांव में 100 साल से अधिक प्राचीन भगवान शिव के अनूठे पातालेश्वर शिव मंदिर के संदर्भ में मान्यता है कि शिवलिंग के झाड़ू अर्पित करने से किसी भी प्रकार के चर्म रोग नहीं होते। यहां शिवरात्रि के मौके पर भक्तों की लंबी कतारें लगती हैं। यूपी के संभल में थाना नखासा क्षेत्र में 35 वर्षीय विवाहिता सड़क दुर्घटना की शिकार हो गई, जिसमें उसकी मौत हो गई। दरअसल विवाहिता अपने देवर के साथ मोटरसाइकिल से आंख की दवा लेने डॉक्टर के पास जा रही थी। रास्ते में अचानक एक ट्रैक्टर ट्रॉली के पीछे की जंजीर में उसके कपड़े फंस गए, जिसकी वजह से विवाहिता मोटरसाइकिल से नीचे गिर गई और नीचे गिरते ही ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आ गई। विवाहिता को जिला अस्पताल में लाया गया, जहां डॉक्टरों ने इसे मृत घोषित कर दिया। स्कूली जाती छात्रा को पीछा करते हुए उसके स्कूल तक पहुंचे किशोर को छात्रा के भाई ने सरेरा पीट दिया है। बहन को परेशान करने वाले किशोर पर भाई को इतना गुस्सा आया कि वो करीब आधे घंटे तक उसको पीटता रहा। यह देखकर मौके पर आने जाने वालों की भीड़ लग गई और भीड़ में से कई लोगों ने भी अपने हाथ इस पर साफ किए। मामला थाना एतमाद दौला के नुनहाई क्षेत्र का है। आरोपी किशोर करीब 3-4 दिन से छात्रा को परेशान कर रहा था। वो आते जाते उसका पीछा करता था। छात्रा का स्कूल जाना तक मुश्किल हो गया।
बदायूं में हिंदू जागरण मंच युवा वाहिनी के प्रदेश महामंत्री कुलदीप वार्ष्णेय ने सर्किट हाउस में पत्रकारों से कहा कि समाज के सगद्दार व्यक्ति ऑल इंडिया फैजान मदीना काउंसिल के अध्यक्ष मुईन सिद्दीकी नूरी पूर्ण की भाषा में जवाब देने वाले को वो 11 लाख रुपए का इनाम देंगे। इसके साथ ही भारत सरकार से उसकी संस्था पर प्रतिबंध लगाने और उसके खिलाफ कार्रवाई करने की भी वो मांग करते हैं। आपको बता दें कि मुस्लिम नेता मुईन सिद्दीकी नूरी ने तारिक फतेह पर सांप्रदायिक माहौल खराब करने का आरोप लगाकर एक फतवा जारी किया। आगरा में थाना शाहगंज क्षेत्र के अर्जुन नगर इलाके में एक बंद कमरे में मां बेटी की लाश मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की जानकारी तब हुई जब लोगों को कमरे के बाहर से बदबू आने लगी। आपको बता दें कि अर्जुन नगर स्थित एक मकान कई दिनों से मां बेटी को किराए पर दिया गया था। शनिवार को कमरे से काफी तेज दुर्गंध आई। लोगों ने इस बात की सूचना पुलिस को दी तो थाना शाहगंज पुलिस मौके पर पहुंची। मौके पर पहुंची पुलिस ने जब कमरे का दरवाजा तोड़ा तो देखा कि मां बेटी की लाश कमरे के अंदर फर्श पर पड़ी। यूपी के कौशाम्बी जिले में अपने मताधिकार का प्रयोग न कर पाने से नाराज ग्रामीणों ने बूथ लेवल अफसर को जमकर पीटा। आरोप है कि बीएलओ सियाराम ने जानबूझकर गांव के कई लोगों का नाम मतदाता सूची से गायब करवा दिया, जिस कारण आधा दर्जन से लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करने से वंचित रह गए। इस घटना की सूचना पर पहुंची सराय अखिल पुलिस ने दोनों पक्षों को गिरफ्तार करके थाने लाकर पूछताछ की। आगरा पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। पुलिस ने सट्टा माफिया श्याम बोहरा को आगरा फोर्ट से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सट्टेबाज के पास से मोबाइल फोन भी बरामद किया जिसमें सट्टेबाजी की कई रिकॉर्डिंग भी मिली। पुलिस इस सट्टेबाज से कड़ी पूछताछ कर रही है ताकि किसी बड़े गैंग का खुलासा किया जा सके। राजनगरी आगरा में बीते दिनों हुए रिटायर्ड लेखपाल अपहरण मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने एक टीम बनाकर अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही अभियुक्त से फिरौती की रकम से 5 लाख रुपए भी बरामद किए गए। दरअसल पिछले दिनों एक शातिर बदमाश ने एक रिटायर्ड लेखपाल को अपना निशाना बनाया था। उसने रिटायर्ड लेखपाल का अपहरण किया और करीब 10 लाख की फिरौती मांगी। परिजनों ने आधी रकम अपहरणकर्ता को दे दी। इसके साथ ही मामले की जानकारी पुलिस ने भी दी। फिल्म बदनी रात के दुल्हनिया का नया गाना आशिक सरेंडर हुआ रिलीज हो गया है। इस गाने में वरुण धवन और आलिया भट्ट मस्ती के मूड में नजर आ रहे हैं। दर्शकों को एक बार फिर उनका बेहतरीन डांस देखने को मिलेगा। इस गाने में वरुण धवन आलिया भट्ट एक बार फिर से एक साथ थिरकते नजर आ रहे हैं। जहां इस फिल्म में 90 के दशक के गाने तम्मा तम्मा का रीमेक आपको देखने को मिलेगा, तो वहीं इस नए गाने में आलिया और वरुण काफी 90 के दशक के झटके भी लगाते दिख रहे हैं। बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार 90 के दशक का मशहूर गाना तू चीज बड़ी है मस्त मस्त एक बार फिर से धूम मचाने को तैयार है। यह गाना 90 के दशक के हिट फिल्म मोहरा का है, जो कि अक्षय और रवीना पर फिल्माया गया था। अब इसी गाने को फिल्म मशीन के लिए फिर से फिल्माया जाएगा। आपको बता दें कि इस फिल्म से मस्तान के बेटे मुस्तफा बतौर एक्टर अपनी पारी की शुरुआत कर रहे हैं। तो नेशन 30 में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए नेशन लाइव के साथ। नमस्कार।